नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए साथियों एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर के आया हूँ। तुझको ही दुल्हन बनाऊँगा चाहे कुंवारा मर जाऊँगा। तो चलिए आज इसी का ट्यूटोरियल सीखते हैं साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो साथियों, किसी भी गाने को किस तरह से निकाला जाता है, अगर इस गाने की मैं बात करूं तो देखिए बहुत साथियों को कमेंट ये आते हैं कि सर हमसे गीत नहीं निकल रहा। चलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें यह भी बताऊंगा साथ साथ किस तरह से गीत निकाला जाता है। अब जैसे ये गीत है, तुझको ही दुल्हन बनाऊँगा वरना कुंवारा मर जाऊँगा, ठीक है। तो इसको हम इसको मध्य सप्तक में तीसरी काली से सीखेंगे, यानी ये हमारा पहली काली है, दूसरी और तीसरी काली को स्वा मानकर हम इसको बजाना सीखेंगे। इसका स्थाई और अंतरा दोनों पार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये मेरा सा होगा, तो सा रे गा कोमल मा और ये पा, सा रे गा मा पा तक जाएगा। मंत्र सप्तक में दो सुर लगेंगे, तीन सुर लगेंगे, नी कोमल लगेगा, धा कोमल लगेगा और पा पा दा नी सा, ये मेरा सा है मान लो। तो इसकी शुरुआत जो होती है गाने की मंत्र सप्तक के पास है होती है, ठीक है। जैसे तुझको ही, तो यानी कि पहले हम डाउन जा रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा सा पे लौट कर आने लगे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा फिर वरना कुंवारा मर जाऊंगा, ठीक है। तो इसको सीखते रहिए। तुझको ही ये इसकी पहली लाइन है, तो तुझको ही पा दो बार है, उसके बाद फिर सा पे आ रहे हैं। तुझको ही दुल्हन पा पा सा सारे सानी, तो ये हो जाएगा तुझको ही दुल्हन, ठीक है। पा पा सा सारे सानी, तुझको ही दुल्हन अब बनाऊंगा, यानी सारे साने बनाऊंगा। थोड़ा सा गा का टच भी ले लेते हैं, किस तरह से रे गा मा रे साने, ठीक है। अब वरना कुंवारा मर जाऊंगा, तो नी से देखिए वरना कुंवारा मर जाऊंगा, नी रे रे मा गा रे सा सा, ठीक है। नी एक बार है, नी रे रे मा गा रे सा सा, तो जे हमारा मेल आवाज है, ठीक है। अब फीमेल आवाज में आता है, जाके जोगन बन जाऊंगी संग तेरे मैं ना आऊंगी, सबसे ये कह जाऊंगी तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। तो देखिए इसको सीखते हैं। तो ये हमारा माँ से शुरू होता है, देखिए जाके जोगन बन जाऊंगी, अगली लाइन सेम बजेगी, संग तेरे ना मैं आऊंगी सबसे ये मैं कह जाऊंगी, जाके जो गन बन जाऊंगी, यानी मारे सा नी धा धा नी सा। तो ये जाके जोगन बन जाऊंगी संग तेरे मैं ना आऊंगा, तो ये दोनों बिल्कुल मैं ना आऊंगी सेम बजेगा, संग ते रे मैं ना आऊंगी मारे सा नी धा धा नी सा। अब है सबसे ये कह जाऊंगी, सबसे ये मैं कह जाऊंगी, तो सबसे ये मैं धा सा मा मा गा रे सब सब से ये मैं कह जाऊंगी मगर सा सा।
इसको और बार देखिए। सब से ये मैं, अब कहे जाऊंगी माँ गारे सासा, ठीक है। फिर भैया आ जाएगी, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। तो जो पहली लाइन आई थी, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, बिल्कुल सेम सुर लग। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। तो जो मैंने बताया आपको, जो शुरू की लाइन थी वही है। पापा सा सारे सानी रे सारे सानी नी रे रे मगरे ससा सा। तो साथियों जे इसका स्थाई पार्ट हुआ। अब इसके अंतर पर चलते हैं। देखिए अंतर की पहली लाइन है, इसका मैं दूसरा अंतर आपको अंतर बताऊंगा इसको, ठीक है। किस तरह से शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, यह है इसका पहला अंतरा। अगली लाइन बिल्कुल सेम बजेगी, चार दीवारों में घुट घुट कर मुझे नहीं मरना। तो पहली लाइन सीखते हैं, देखिए शादी वादी के चक्कर में, शादी वादी के चक्कर में, यानी नी नी सारे नी नी सारे शादी वादी के चक्कर में। अब है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना। नी नी सारे नी नी सारे मामा गारे सा सारे सानी, यह है शादी वादी के चक्कर में। अब मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना सारे सानी। अब चार दीवारों में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। नी नी सारे मगरे सारे सानी, यह ठीक है। चार दीवारों में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। ये फीमेल, अब मेल आवाज है इसकी। खुली हवाओं की मैं तुझको शेर कराऊंगा, लंदन पेरिस हनीमून में तुझे घुमाऊंगा। कराऊंगा लंदन पेरिस हनीमून में, लंदन पेरिस हनीमून में लंदन हनीमून में लंदन पेरिस तुझे घुमाऊंगा। हनीमून में लंदन पेरिस तुझे घुमाऊंगा। तो ये चारों लाइनें बिल्कुल सेम है, दो मेल और दो फीमेल, ठीक है। उसके बाद चिकनी चिकनी बातों में आऊं ना तेरे हाथों में, चिकनी चिकनी बातों में सारे का गारे सामा, ठीक है। चिकनी चिकनी बातों में सारे का गारे सामा, आऊं ना तेरे हाथों में, आऊं ना तेरे हाथों में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम बजेगी। उसके बाद मुझको जो ठुकराएगी तू बाद में पछताएगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम बजेगी। ठीक है, चिकनी चिकनी बातों में आवना तेरे हाथों में, ठीक है। मेल फीमेल आवाज, चिकनी चिकनी बातों में आवना तेरे हाथों में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया मुझको जो ठुकरा, ठीक है। फिर अब ना सेज तेरी सजाऊंगी, तो जो स्थाई पार्ट था वही आ गया आप, ठीक है।
तो साथियों इस तरीके से आप इसको बजाना सीखिए, मैंने इसका एक स्थाई और एक अंतरा आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।